हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंदर इब्राहिम और आप देख रहे हैं वीआईपी नजरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि हम लास्ट ब्लॉग वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम कैमरे को लेकर जो वीडियो को अपलोड किए थे, जब हम कैमरा लेकर पटना पहुंचे तो भाई वहां जो मेरा कैमरा और ख़राब हो गया, इसलिए भाई आज हम जा रहे हैं कोलकाता सर्विस सेंटर में। हम है जो कैनन कस्टमर केयर को कॉल किए थे तो वो बोले कि सर आप है जो सर्विस सेंटर में देखा, वो हमें ऐसे बोल रहे थे कस्टमर केयर, तो वो बोले कि मास्टर सर्विस सेंटर के बारे में, ठीक है। मतलब हम है जो पूछे कि सर ये मेरा कैमरा ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोले हाँ सर हो जाएगा ठीक, आप है जो कैनन का मास्टर सर्विस सेंटर जाओ, ठीक है। तो हम बोले सर एड्रेस दे दीजिए, तो वो है जो हमारे नियर में जो कोलकाता है, मतलब देखो पटना में नहीं है ये, कोलकाता दिल्ली मुंबई ये सब में, तो भाई हमारे घर से है जो नज़दीक ना कोलकाता है, ठीक है। तो हम है जो इसलिए आज कोलकाता जा रहे हैं अपने कैमरे को लेके, तो भाई हम जाएंगे कोलकाता, उसके बाद है जो आप क्या करें मतलब कैमरा ठीक कराएंगे। तो आप है जो इस वीडियो को प्लीज़ अभी के भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम आप सभी को आगे का ब्लॉग देते हैं। फ्रेंड, तो हम है जो आप अपने सेटअप को जो गुड बाय कर देते हैं और मिलते हैं हम आप सभी से अब स्ट्रीम पे एक हफ्ते के बाद। और भाई यहाँ पे मेरा फ़ोन सब है, तो फ़ोन सब लेते हैं और सीधा निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, ठीक है। तो भाई अभी है जो हम दरभंगा आ गए हैं और यहाँ से है जो हम जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, बस उसके पास में खड़े हैं, ठीक है। इसके मतलब इस दीवार को उस पार है जो रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद से जो ट्रेन मेरा है जो वो 2 बजे है, तो देखते रहिए आप आगे तक इस ब्लॉग को। फ्रेंड, तो भाई हम काफ़ी समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। भाई हम कोलकाता में आ भी गए 3 बजे रात या फिर 4 बजे रात को ही हम कोलकाता में आए थे। उसके बाद से भाई यहाँ फ्रेश तो नहीं हुए, बस भाई चाय पिए और सो गए थे, उसके बाद सुबह उठे हैं चाय पिए हैं और भाई ड्रेक है जो हम इधर आ गए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर मेरा कैमरे का सर्विस होता है या फिर नहीं होता है और मेरे कैमरे में कितना रुपये खर्च होता है, वो तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम गेट पर हैं और यहाँ पर जब मैं भी कुछ देर पहले आए हुए थे तो यहाँ पे बोले कि कैमरे के साथ किसका कैमरा है वही जा सकता है और हमारे साथ जो दो फ्रेंड है वो नहीं जा सकते, तो अकेले मैं ही जाऊँगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ओ भाई यार, यहाँ तो हम कैमरे को जमा कर दिए हैं भाई, यही शॉप है 4th फ्लोर पे, ठीक है। तो भाई अभी जब हम बाहर जाके आप सभी को सारा कुछ बताते हैं, कितना अभी हमें चार्ज लगा है, कैमरा ठीक होगा या फिर नहीं होगा, वह जब हम आप सभी को ये बाहर जाने के बाद ही बोलेंगे, ठीक है। भाई हमें जो बाहर आ गए हैं और अब हम बात करते हैं कि क्या क्या है जो हमसे फीस लगा है, इसका सर्विस चार्ज, इसके बाद से कितना रुपये हमारे कैमरे में खर्च होगा। सबसे पहले मैं गया हूँ तो वहाँ पे है जो 1180 रुपये हमसे लिया है सिर्फ चेक करने का सर्विस चार्ज, ठीक है। उसके बाद से अभी है जो वो बोले हमें कि यहाँ पे 12 से 15 हज़ार रुपये है जो इस कैमरे में भाई लग सकता है, क्योंकि इसमें ना भाई बहुत ज़्यादा है जो प्रॉब्लम आ गया है। सबसे पहले बैटरी का, ये बैटरी वाला चेंज करेंगे, उसका फिर जो मदरबोर्ड इसके अंदर का वो चेंज करेंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो भाई बहुत ज़्यादा खर्च होगा इस बार, देखते हैं क्या होता है यार। और क्या ही बताएं यार, हम गलती की है जो पहला वहाँ हमें जो अपने कैमरे को दिखा दिए, तो फिलहाल कोई नहीं यार, ठीक है। तो क्या ही करें, तो बस यार आप देखते हैं जब। और हाँ एक और बात, मेरे कैमरे का जो टाइम है जो वो 11 तारीख को देंगे, ठीक है। 11 जनवरी को वो बोले हैं कि 10 से 11 जनवरी को जो हम आपको कॉल कर देंगे और आप यहाँ से कैमरे ले जाना, तो देखते हैं भाई 10 से 11 तारीख कम्प्लीट करते हैं। अगर सही हो गया तो भाई मज़ा आएगा, कैमरे से ब्लॉग आएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।